स्टार्ट करते हैं. थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, जस्ट बीइंग विथ मी. अभी हम जा रहे हैं, अभी हम रास्ते में निकल गए हैं. अभी जा रहे हैं हम लोग डबल डेकर रोड ब्रिज. सो कीप वॉचिंग गाइस. आज का मॉर्निंग और अभी 7 हो चुका है. लेट्स गो. आज का जर्नी स्टार्ट हो गया भाई. और अभी निकले हैं सभी, हम निकले हैं अभी राइट्स पे. कल शाम को बैठे हुए थे इन दोनों भाइयों से, यूपी से आए हैं चेरापूंजी मजे करने के लिए. पहुंचे हैं जिसका नाम है त्रीना. शायद यहीं से लिविंग रूट जो है डबल डेकर जो रूट जो है शायद यहीं से हो सकती है. बट हेलो भाई, हम पहुंच चुके हैं अभी. वेलकम टू त्रीना एलका टूरिज्म. त्रीना एलका टूरिज्म यहां पे है. 5 PM क्लोज हो जाती है बिजी टाइम. मैं इधर लगा देती हूँ, कोई MSC आई हुई है. भाई साहब ये देखो, आपको ये बम्बू स्टिक मिल जाता है ट्रैकिंग के लिए अगर चाहिए तो. कितने करके भैया? ओनली 20 रुपीज़ से. आप चाहो तो ले सकते हो. भाई हम जवान नहीं अभी, थोड़ा बम्बू स्टिक बुरा लोग, थोड़ा एजेड लोग को दीजिएगा ठीक है. हम लोग को शायद आप लोग को चाहिए बम्बू स्टिक 20 रुपीज़ ना, 20 रुपीज़ से चाहिए तो ले लीजिए. चाहिए यहाँ पे एंट्री के लिए हम रख दिया है और वहाँ से एंट्री पॉइंट है अर्ली 6 AM से 5 PM तक होती है, मतलब 11 घंटा खुली रहती है. चलो अच्छी बात है. सिंधु चुंग क्या ब्रिज और क्या डबल डेकर और रिथन ओ ये देख सब अलग अलग है भाई. यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्टिंग होता है. वेलकम टू कुछ भी हो. सो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आज का ये ट्रैक. मजे करना है तो आपको भी आना पड़ेगा यहाँ पे. जैसे एक बाइक के 40 रुपये लगती है और यहाँ पे एंट्री फी शायद अभी तक हमें नहीं पता, थोड़ा सा आगे जाके शायद पता चलेगा कि एंट्री फी यहाँ का कितना लगती है. यहाँ पे शायद ये सॉफ फॉर ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स. ओ माय गॉड, 6 पीपल. रास्ता यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे ऊपर कहीं पे भी जा सकते हो आने के बाद में. यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम से हो जाते हैं आप ऊपर जा, अगर लाइक आके आपका ऊपर जा रहे हैं, बट ये नहीं है. अब यहाँ से नीचे से आप आ सकते हो डबल डेकर के लिए. बट मेरा तो पैर का हालत कुछ ऐसा हो गई है कल चढ़ के, शायद ये राइट वाला काम नहीं कर रहा ठीक से. तो आपको ये डाउन में जानी है. यहाँ पर क्या है, आप ऊपर मत जाओ, नीचे वाला पे आ जाओ. होमस्टे वाला रोड पे नहीं, उनका बगल रोड रोड पे आना और यहाँ से सीधे नीचे उतरते हुए आप सीधा चले जाइए. देखो हम लोग जा रहे हैं अभी, जैसे ही यहाँ पे मोड़ आएगा ना मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे आपको टर्न लेना है, कौन सा सही रोड है नहीं है. और एक छोटा सा रोड पड़ती है यहाँ पे, वहाँ पे नहीं आपको सीधा आना है, मतलब गाँव का बीचों बीच पैदल चल के आनी है आपको सीधे, उनके बाद में लास्ट तक आनी है. देखिए हम लोग नीचे ही जा रहे हैं अभी. ये रूट्स वाला ब्रिज है. अरे आप लोग नहीं थकते हो क्या इतना ऊपर? माँ बेटी बीच बीच में इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे दुकान मिल जाएगी आपको. और मेपा होमस्टे भी है, वाओ काफी क्यूट है. मैंने एक बार देखी थी मेपा होमस्टे यहाँ पे, एक बार नेट में जब मैं सर्च की तो मुझे ये दिखाई दी मेपा होमस्टे. तो बिल्कुल डबल डेकर के रूट्स पे ही है. आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा. बट सिटी से काफ़ी दूर है, सिटी से कहूँगा मैं, ऐसा हो रहा टाउन से काफ़ी दूर है ये. सीधा यहीं पे डबल डेकर के रोड पे. ये अलग वाला ट्रैक है, स्टेयर वाला ट्रैक है.
पैर दर्द होता है इस समय, अगर वो सीधे वाला होते हैं ना ट्रैकिंग, उनमें आराम से चढ़ पाएंगे, बट इनमें क्या होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, थक जाओगे यहाँ पर चढ़ते उतरते, क्योंकि पैरों में प्रेशर पड़ती है इस समय। पंछियों का शोर आने लगी अभी से, भाई हमने अभी तक कितना सीढ़ी नीचे आई है पता नहीं, कहीं पे भी लिखा नहीं है, बट हमें इतना पता है कि 3500 सीढ़ी होते हैं, हर जगह में अलग अलग से सीढ़ी का वहाँ पे लिखा रहती है कि आपने इतना सीढ़ी आ गया इतना सीढ़ी बची है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप हेल्प कर दो किसी को, काउंट करते आ जाओ ऊपर से नीचे तक और लिख के रखो कि ये इतना नंबर सीढ़ी है, किसी को हेल्प हो जाएगा। हमारे टूरिस्ट की ओर से तो इतना कर ही सकते हो। इतना वक्त लगा हमें नीचे उतरने के लिए। हम यहाँ पे पहुँचे हैं 7:40 पे, और मैं कहूँगा कि आप लोग सोच रहे हो कि लट्ठी नहीं लेंगे ऐसे ही आ जाएंगे विदाउट स्टिक, मैं कहूँगा सर्विस करूँगा स्टिक ले लो 20 रुपीज़ से, नहीं तो बाद में आगे पछताना पड़ेगा। डाउन के समय नहीं आपके समय में, बट हम लोग सोचे थे हम लोग जवान हैं इजीली उतर पाएंगे, ये आई थिंक गलत है। 20 रुपये के चक्कर में आप अपना इंजॉय मत गवाओ। ये बना सकते हैं लट्ठी ये वाला, बट डाटे ये तो कांदा का है। अभी तो चलो उतर रहे हैं, चढ़ते समय क्या होगा वापसी में, नीचे और एक गांव है भाई, वो वंडरफुल। अभी वो एक अंदर लट्ठी पड़ी हुई ले ले, वो अंदर है बड़े हैं, मैं लेके आ जाता हूँ। चलो भाई यहाँ से ले लेते हैं, चलो आधा आधा काम चला लेंगे। अभी नीचे में ठीक है, नीचे चढ़ने में छोटी लग रही है, हाँ बहुत मदद की है ऊपर में, हाँ सही है, हाँ ठीक है रास्ता देख लेंगे कहीं पे। 11-12 बजे खुलने वाली है, तो ट्रैक के लिए तो वही समय बेटर है, बट हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं। बट कौन सा गांव बसा हुआ है भाई इतना जंगल में, लकड़ी पे नज़र रखना, बड़ी लकड़ी मिलेगी आगे, वो नहीं है आगे मिलेगी, आपका भी अच्छा है ये भी अच्छा मिल जाएगा, वैसे है पूरा बैंबू वो पड़ा देखिए, लेकिन उठा नहीं पाए, वो बढ़िया है वो नहीं है छोटी है कटी हुई। इस वीडियो में पूरा ट्रैक आपको मिलने वाली है, और एक बात है खासकर फीमेल्स के लिए, यहाँ पे हील्स पहन के मत आया करो प्रॉपरली, यहाँ पे क्या वाली वो हील व्हील छोड़ करके ट्रैकिंग वाली पहन शो पहन के आइए ताकि बेटर रहेगा, और स्लीपर वगैरह भी मत लेके आइए दर्द हो सकती है। अभी देख सिर्फ नीचे ही जा रहे हैं, लड़की का बहुत जरूरत है यार, ये आपको चाह रहा चाहिए नहीं तो आप जल्दी नहीं कर पाएंगे। मुर्गी बोल रही है बीच बीच में, और ये बात है हम सब आप लोग ये वीडियो स्किप कर दे, बट आप लोग का मर्जी है भाई, बट यहाँ पे चढ़ने के लिए उतरने के लिए कुछ लोग मजा आए। यहाँ का जो रोड है सिर्फ पार्किंग तक आपको रोड दिखेगी, उनके बाद में डॉट 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 दिखेगी, उनके बाद में अगर आप मैं फॉलो करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, या फिर गाइड लोग आपको बोलेगी रास्ता किधर है गाइड ले लो, ये सब कुछ बोलेंगे वो लोग, तो आपका मर्जी आप गाइड भी ले सकते हो, नहीं तो हमारे जैसे आप रास्ता ढूंढते हुए आ सकती हो। ये जी गाइड के लिए ये वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं किसी और का भी होगी। यहाँ से शायद 2-3 रास्ता गई है,
तो शायद लिखी हुई है भाई, यहाँ से भी गई हुई है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो होता है बस वही लिखा है, महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, पता नहीं कहाँ गई है, बट बाद में पता चलेगा कि रोटीलाल हम नीचे जा रहे हैं। देखो यहाँ से पॉइंट दिखती है, अब वहाँ तक जा सकते हैं पॉइंट तक। ये और भी बचे हैं हमारे पहुँचने के लिए, बट अभी टाइम कितना हो रहा है मैं देख लूँ एक बार। लास्ट स्टेप्स बचा है शायद 100-150 सीढ़ी और बचा होगा, और टाइम हुआ है 54, मतलब आधा घंटा, आधा घंटे का ट्रैक है नीचे तक, आप आधा घंटे में पहुँच जाओगे, पौने एक घंटा अगर रेस्ट करते हुए आओगे तो। सीढ़ियाँ देखो, ये लास्ट सीढ़ी है, दोस्त आ चुके हैं, मेरा बारी है, चलो जल्दी से उतरते हैं क्योंकि ये बहुत ही खाने वाली सीढ़ी है, मैं बड़ी ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। फिलहाल तो कहीं पे नाश्ते कर लेते हैं। देखो दोनों भाई पहुँच चुके हैं, अभी लगे हुए हैं सिंगल डेकर डबल डेकर के लिए। अभी आप लोग का मर्जी है भाई, यहाँ पे 3 रोड बीड्स है बट हमें 2 मिल गई हैं, एक सिंगल और डबल, और पता नहीं एक कहाँ पे गई गुजरी है, शायद एक और ऊपर की तरफ हुई है, वो भी घूम के जाएंगे। तीनों है, 3 मिनट का रास्ता है। देख भाई हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, आई गॉड, लास्ट सीढ़ी चढ़ते होते थे ये हालत। अरे ये गांव का नाम है नोंगी पीडंग, क्या लिखा है यार, पी बस नोंग भी पढ़ लो यार, नोंग थी माई। अब यहाँ से भाई यार ले लो, पसीना ही पसीना, ओह माय गॉड। सो दिस इज द फाइनल पॉइंट, हमारे लिए कुछ खाएंगे यहाँ पे, फ्रेश लोकल टी, लेमन टी, जूस टी, सब कुछ मिलता है यार। जूस का टी कब से बना भाई, वो स्टार फ्रूट से क्या, यहाँ पे हर दुकान में भी नहीं देखा स्टार फ्रूट्स। चलो थोड़ा यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं, उनके बाद में निकलेंगे। हम लोग 7:15 में जर्नी स्टार्ट किए थे, वहाँ से ट्रैकिंग किए थे हम तीनों मिलकर के, और हमारे पहले ए भाई आए थे बट ये लोग बहुत जल्दी पहुँच गए नीचे, हमारे से भी एक साथ एक्सपीरियंस होगा। बट अभी हम यहाँ पे पहुँचे 45 मिनट के बाद में, यहाँ पे एक छोटा सा टी स्टॉल है और यहाँ पे रुके हैं। सिंगल के लिए उस तरफ है 3 मिनट का रास्ता, डबल के लिए यहाँ पे, पहले हम डबल करेंगे उनके बाद में सिंगल करेंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा चाय पानी, हो सके तो आप लोग पानी कैरी करो ऊपर से, क्योंकि पानी थोड़ा महंगा है यहाँ पे, जितना हो सके पानी खुद के साथ में कैरी करो, फूड्स वगैरह कैरी कर सकते हो। बट हमें अभी यहाँ पे रेड टी, मैं टी का प्राइस बता देता हूँ, यहाँ पे रेड टी जो होता है 10 रुपीज़ में मिलता है, और दूध वाला टी 20 रुपया, 30 रुपीज़ बताया, 20 रुपीज़ से दूध वाला एक कप का, और यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कप में टी मिलता है भाई, 10 रुपया सोच के बहुत बोल लगी छोटा कप है। अभी दिखाऊंगा मैं आप लोग कितना बड़ा कप होता है, यहाँ पे पी के ख़त्म नहीं कर पाओगे, थक जाओगे पीते पीते। यहाँ पर देखो लगभग आपको जो घर मिलेगा वो सभी वुड्स का है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबल है कि पक्के का घर बनाया जाए, और यहाँ पर कुछ इस तरह से पत्थर मिलेगा, और शायद वहाँ से आई डोंट नो हाउ इट इज़ पॉसिबल हाउ दे कैरी ब्लॉक्स हियर, यहाँ पे ब्लॉक्स भी लाए गए हैं, इमेजिन कर पाएंगे वो देखिए भाई, ये सोचने वाला बात है कि ब्लॉक्स में यहाँ पे घर बन रही है, यहाँ पे 10 बराबर शायद घर मिल जाएगी, और किस तरह यहाँ पे ब्लॉक्स पहले बनी हुई है बट बहुत ही मेहनत है। 15 फैमिली आप 15 फैमिली यहाँ पे रहती है, अब देख लो हर घर पर यहाँ पे आप विजिट करके जा सकते हो, और यहाँ पे सोच लो तो आप लोग यहाँ पे काफ़ी मेहनत के साथ ये लोग ऊपर से पत्थर लाए हैं या फिर सीमेंट लाए हैं, एक बोरी सीमेंट लाने के लिए इतना ऊपर से, इट इज़ पॉसिबल आई डोंट नो, बट ये देखो ये क्यूट सी डॉगी यहाँ पे है, ये देखो चाउमीन बोल रहा हूँ मैं इसे, मैगी और रेटी, अभी मज़े करते हैं। ये देख नेस्कैफे, बट यहाँ पे कॉफ़ी नहीं है, रेड टी है, इतना बड़ा कप का 10 रुपये लेती है, और दूध वाला की 20 रुपये, पैसा असूल। आफ्टर ब्रेक फर्स्ट के बाद में हमारी जर्नी फिर से शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर के रास्ता है, और डबल डेकर से हमें और भी जाना है रेमबो के लिए, जहाँ से 1.5 घंटे का रोड है। सो चले अभी सीधे यहाँ पर बीचों बीच, यहाँ पर एक चर्च है छोटे से गांव के अंदर में, और यहाँ का लोग
संतला का पेड़ इधर, ऑरेंज ये, इधर भी सौंफ है काफी सारा। यहाँ पे 4-5 सौंफ आपको मिल जाएगा, बट पहला वाला पे हमने पेड़ी खा लिया। अभी निकलते हैं, पहले वाली लाठी छूट गई, छूट गई, छूटी नहीं। अरे पानी ले जाते हुए कहीं, हाँ रास्ता पे यहाँ पे देखे ग्रेव गए। सब लोगों का एक्सपेक्टेशन है सामने देखिए। ओ भाई, ओ हो हो हो, ओ भाई यही वाला दिखता है सभी को, ये वाला क्रॉसिंग करके जाना है, उनके बाद हमें डबल टिकट मिलेगा। नहीं तो वर्मा साइड हट, हट जा, थोड़ी जा आगे जा, आगे जा, आगे जा, रुक जा, तो आगे जा, आगे आगे चल रहा हूँ। आज 1 GB स्पेस बचा केवल, इसको आज इसी से भरना है। ये बड़ा वाला ले ले, पट्टे का टाइप का है। चल चल चल, नेचुरल ब्यूटी ब्रो, नेचुरल ब्यूटी। ये बंद पड़ा है, टूटा हुआ है, किधर से जाएंगे फिर हम। यहाँ पे एक लास्ट घर बची हुई है, इधर से रास्ता ये है क्या, होम स्टे। काफी ऑफरोडिंग पे सही है, मेरी गाड़ी भाग रही थी, बाइक होती है, नहीं नहीं मेरी कुछ की गाड़ी। वाओ कितना क्लीन पानी, इतना छोटे बच्चे को लेके आ रही है, कहाँ से आ रही है, पहाड़ से आ रही है लोग। पानी देख भाई, यहाँ नियर वाटर, भाई आगे से गांव से आ रहे क्या भाई, आगे गांव है क्या आप लोगों का घर है। छोटे बच्चे भी लेके आ रही है शायद, रुखा रुखा देखो कुछ हो गया। देखो ये ब्रिज अभी बंद पड़ी है, शायद प्रॉब्लम हुई हुई ब्रिज में, तो पत्थर देखो यहाँ के इतना बड़े। क्या सीन है भाई, क्या नजारा है। अंग्रेजी वाला ब्रिज यहाँ पे बंद पड़ा है, कब खुलेगा पता नहीं, बट हम यहाँ से अभी जाएंगे। चलो भाई डबल डेकर, साढ़े 3,000 का मामला है भाई। अभी पता चल रहा है। अरे बाप रे, और कितना बचा है भाई, अभी ये सब बहुत भारी भाई। आदमी को जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा हो गया तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी हो गया तो ये सब भी चाहिए। और यहाँ पे एक मेहनत करो, कुछ नहीं बस। हंस रात भर भाई, सभी फॉर्म में आ गए, वीरेंद्र से फिर से फॉर्म में आ गए, खेलने के लिए मैदान में तैयार। अरे भाई लेने, चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा जान बच गई।
ओह ओह भाई सबको याद रहेगा कि यहाँ पे आके सब बैठे थे। पहले वाले हिल था, हमने वहाँ से डाउन आया, अभी हम अप चढ़ रहे हैं। काफ़ी मेहनत होता है थोड़ा सा अप चढ़ने पे, और भी है। वही देख लो, यहाँ तक पहुँच गए। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, और भी नीचे जानी है ब्रिज पर। नीचे स्विमिंग के लिए है स्विमिंग पूल। भाई यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लो। ब्रिज पर हम जा रहे हैं भाई, हिल रहा है ब्रिज। वाओ अरे हिल रही यार। देखो अभी ब्रिज हिल रही है भाई, ये देख लो हम ब्रिज के बीचों बीच खड़े हैं अभी, और नीचे स्विमिंग पूल है, अब वहाँ से नहा सकते हैं। वो हम वहाँ से इस तरफ आ गए हैं अभी। आजा भाई आप आजा, दूर रहना जरा पास में। सेल्फी ले रहे हैं। 2 मीटर का है ये ब्रिज, मजा आ जाता है। खत्म हो जाते हैं ना यहाँ पे, छोटा सा घर मिलते हैं, घर के अंदर शायद कोई लोग है आदमी, बट यहाँ से काफी चढ़ाई और फिर से हमें अच्छी है क्या। डबल डेकर रोड में जाते हुए यहाँ पे एक आयरन ब्रिज मिलता है, वो काफ़ी क्यूट है। वहाँ से देखो 100 मीटर का दूरी पे होगा, बट मस्त का है। पानी देखो, अब नीचे नहा भी सकते हैं। हमने सेकंड वाला ब्रिज जो है ये क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ एक कॉफ़ी स्टॉल है, कुछ गांव है यहाँ पे, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये देख, ये क्रॉस करते एक घर मिलता है, और कॉफ़ी हाउस वगैरह मिल जाएगा शायद। ये होटल वगैरह है, और यहाँ तक आने के लिए शायद आपका 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाएगा यहाँ तक आने के लिए, 2 आवर्स। Hi. What is your name? Adrian. Okay. Nice. So ये भाई साहब का नाम एड्रियन है। यहाँ तक आते आते 5-4 हो जाएगा भाई। तो छोटे वाले सिंगल लिविंग रूट्स में हम पहुँच चुके हैं। ये देखो ये है, ये जीता हुआ यहाँ ये पेड़ से निकला है। ये पेड़ जो होता है ना, पुटकल का पेड़ कहते हैं, पुटकल का जड़ है ये, और वो बोट पेड़ का जड़ है पुटकल। काफ़ी खेलते थे हम बचपन में ये पेड़ से,
और सभी को पता है ये बोर्ड का पेड़ है। और ये देखो जड़, वाव, ये पहला लिविंग रूट ब्रिज। मेरा जैकेट गिरने वाली थी बार बार। चलो ये वाला को तो क्रॉसिंग कर दिया और दूसरा वाला देखते हैं। अगर आप चाहते हो यहाँ पे रात रुकने के लिए तो यहाँ पे होम स्टे है। सो लुक यार, ओए होए, संतिन होम स्टे, मोबाइल नंबर दिया हुआ है और शायद कोई एब्रॉड से है यहाँ पे। ओह, ये होम स्टे पे रुका हुआ है, पता नहीं कौन सा होम स्टे है। कद्रिद होम स्टे, छोटे से बट क्यूट है। ये देख लो मोबाइल नंबर, यहाँ पे भी है। ये सब में आकर के होम स्टे में स्टे कर सकते हैं। खाने पीने के लिए सब कुछ इंतजाम है इधर पे। ये देखो आप रह भी सकते हैं इधर पे, काफ़ी लड़का लोग हैं। चलो भाई यहाँ से कितना दूर, 15 मिनट, 10 मिनट्स का रोड है यहाँ से। और ये कौन सा गांव है भाई, विलेज? हाँ, विलेज का नाम कौन सा है? नोरेत। नोरेत, नोरेत विलेज में हम पहुँच चुके हैं भाई, काफ़ी रिमोट से, एंड इट इज़ ऑलरेडी नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है नोरेत। नाइस, हाय 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 बच्चे लोग। हाउ यहाँ से हो फुल, देख भाई, और वो देख ऑरेंज का ट्री में ऑरेंज लगा हुआ है। हाय हाय हाय, काफ़ी क्यूट क्यूट बच्चे हैं यहाँ पे। बट हम लोग का जर्नी और भी बाकी है भाई, हम नोरत गांव में पहुँच चुके हैं ना। वो डबल टेगर ऊपर है भाई, ये लास्ट पॉइंट है यहाँ से। अभी होम स्टे बगरा में पहुँच सकती हो। और ये देखो टू डबल टेकर रोड यहाँ से, ये रोड है, ये देखो यहाँ पे भाई। यहाँ कहाँ जाता है, गांव जाता है क्या यहाँ से? हाँ 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 हाँ, और एक ब्रिज यहाँ से जाता है भाई, देख, मतलब यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ से दो जाते हैं। सभी को यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है, यू हैव टू मेक एंट्री हियर बाय योर नेम। आगे है डबल डेकर, मैं चढ़ जाऊँ पहले? आ जा भाई, यह है डबल डेकर, एक ऊपर है एक नीचे है, और ये ऊपर वाला है, देख लो जड़ कैसा है इनका।